हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। और आज हम नए वीडियो में बात करेंगे जो हमारे घर से ही हम फर्टिलाइज़र और फंजीसाइड दोनों का ही जो काम कर सकता है ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में। तो चलिए इससे पहले देख लेते हैं हमारे गार्डन की एक झलक। तो देखिए अभी तो काफ़ी सारे फूल खिल रहे हैं गार्डन में। ये पेंजी जेरेनियम में नई शॉपिंग करके लाई थी तो वो भी अच्छे से अभी ग्रो कर रहे हैं। तो ये देखिए कैलेंडुला, वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये पेंटास है जो कि मैंने छोटे से पॉट में प्लांट किया है और उसकी मैंने डेड हेडिंग कर दी है, यानी कि सूखे फूल निकाल दिए हैं, तो वो अच्छे से अभी ग्रो कर रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। और इससे पहले देख लेते हैं हमारे और पौधों की ग्रोथ क्या है। तो अभी हम बात करने वाले हैं हमारे प्लांट हिबिस्कस के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छे से हेल्दी हो रखा है और ब्लूम भी अच्छे से कर रहा है। देखिए कितने बड़े साइज़ के फ्लावर आ रहे हैं। मैं उसमें खास कुछ नहीं करती, मैं उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती रहती हूँ। मेरे घर से जो भी निकलता है वो ही देती रहती हूँ। इसमें भी देखिए कितनी हर एक ब्रांच में तीन या चार ऐसे कलियाँ आती रहती है। और मैंने प्रून भी नहीं किया तब भी साइड में से नई ब्रांच निकलती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक की ओर, जो कि है आज का टॉपिक बटर मिल्क का। तो हमारे गार्डन के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र अगर बोले तो है बटर मिल्क। वैसे तो सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो भी हम यूज़ करते हैं हमारे पौधे को काफ़ी अच्छे लगते हैं और उसमें वो ग्रोथ भी अच्छा करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के मुकाबले। तो देखिए मैंने क्या किया है, छाछ का एक भाग लिया है और 10 हिस्से इसमें पानी मिलाया है ताकि वो एकदम पतला हो जाए। बटर मिल्क में वैसे देखें तो कैल्शियम और नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है, जो कि हमारे प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए। और ये एक फंगीसाइड का भी काम करती है। तो आपको अगर लगे कभी पौधे में कुछ है प्रॉब्लम, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं फॉलिएज पे और ये ऐसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं ताकि हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करें और कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये बटर मिल्क का आप यूज़ 10 या 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। अगर आपको स्प्रे करना है तो थोड़ा और पतला कीजिए और आप फॉलिएज पे भी स्प्रे कर सकते हो। अगर फॉलिएज पे स्प्रे करोगे तो आपके पौधे हेल्दी रहेंगे और काफ़ी सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का ही उपयोग करें, हमारे पास घर पे ही काफ़ी सारे फंजीसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों का काम कर सके ऐसा काफ़ी सारे हमारे घर से ही निकल सकते हैं। तो देखिए मैं सभी पौधों में एक ग्लास आधा ग्लास जितना दे रही हूँ। हाँ, मगर एक शर्त है कि आपकी मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। अगर मिट्टी ड्राई होगी तो ही वो एब्जॉर्ब कर पाएगी बटर मिल्क के काफ़ी न्यूट्रिशन को। तो ऐसे मैं देती हूँ अपने सभी प्लांट में 10 या 15 दिन में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ जो मेरे घर से निकलता है। और अगर आपके पास और कोई सुझाव हो और कोई हो सजेशन तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।